आप देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भांते। इसरो ने सोमवार को बताया कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग के बाद भी लैंडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर की ओर से जारी किए गए चित्र के अनुसार ये एक ही टुकड़े में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब इसरो की टीम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसरो के वैज्ञानिक के अनुसार लैंडर एक तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इससे संपर्क स्थापित करने के लिए ये ज़रूरी है कि लैंडर का एंटीना ऑर्बिटर या ग्राउंड स्टेशन की दिशा में हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में गुम हो चुके स्पेसक्राफ्ट का पता लगाया है, हालाँकि ये उससे अलग है। जानकारी के अनुसार अगर लैंडर से संपर्क बन जाता है तो प्रज्ञान फिर से काम करना शुरू कर सकता है। इसके लिए अंतरिक्ष एजेंसी टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क को लेकर लगातार काम कर रही है। बता दें कि लैंडर को ऑबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कमांड मिलने पर अपने थ्रस्टर्स के माध्यम से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन एंटीना दबे होने के कारण संपर्क में कठिनाई हो रही है। वहीं इससे पहले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक DCC कुमार ने भी शनिवार को चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से क्रैश लैंडिंग की बात नकार दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है ये क्रैश लैंडिंग नहीं थी क्योंकि लैंडर और ऑर्बिटर के बीच का संपर्क चैनल अब भी चालू है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।